आजमगढ़ जिले में मंगलवार दोपहर से हो रही बारिश बुधवार दोपहर 2 बजे तक होती रही। इस बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। बारिश के कारण ठंड बढ़ी और लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोमवार दिन भर बादलों की लुका छिपी चलती रही। जिले में लगातार हो रही बारिश से ठंड और अधिक बढ़ने के आसार हैं। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए लगाई गई कृषि मशीन कुलपति विजेंद्र सिंह ने बंद करा दी, जिससे किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत करते हुए जिले के कृषि वैज्ञानिक रुद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जिले में 85% किसानों ने गेहूं बो दिया है। जिन किसानों ने गेहूं बो दिया उनके लिए यह बारिश अमृत के समान है, पर जो किसान अभी तक नहीं बोए हैं ऐसे किसानों के लिए यह बारिश नुकसान करेगी। इसके साथ ही अभी तक जितनी बारिश हुई है वह सरसों मटर व चने के लिए ठीक है, यदि और बारिश होती है तो इन फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के कुलपति विजेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को जानकारी देने के लिए लगाई गई मशीन बंद करा दी है। इस मशीन से 7 जिले के किसान लाभान्वित होते थे। लाभान्वित होने वाले जिलों में प्रमुख रूप से आजमगढ़, बलरामपुर, जौनपुर, गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर हैं। 2019 से इन जिलों के किसानों को मौसम का पूर्वानुमान मिल जाता था, पर एक माह पूर्व कुलपति ने यह सेवा बंद करा दी। इस सेवा के बंद हो जाने से किसानों के मंसूबों पर पानी फिर गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से जानकारी मिलने से लाखों किसान लाभान्वित होते थे।